हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त. आज आपसे पाम्स के बारे में बात करूंगी. घरों में जनरली कौन कौन से पाम उगाने चाहिए. मेरे पास 6-7 तरह के पाम्स हैं. अपने पाम्स दिखाऊंगी और आपसे थोड़ी बहुत केयर के बारे में बात करती जाऊंगी उन पाम्स की. और नाम आपको लिख दूंगी ताकि आपको जिस भी पाम की इंडिविजुअल केयर देखनी हो तो सेपरेट जो है वो आप उसमें वीडियो देख लें. तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं. ये जो सामने आपको दिख रहा है इसे लेडी पाम कहते हैं. तो ये देखिए, ये क्या है, आप लाते हैं ना तो नीचे से देखिए ऐसे मल्टीप्लाई होते रहते हैं. ये देखिए, घना होता रहता है ये पौधा और ऐसे नई जो नए नीचे से निकलते रहते हैं. देखिए ये बेबी प्लांट्स, और बारिश के मौसम में आप इसको अलग करें तो नए प्लांट्स बन जाते हैं. सॉफ्टली इसको अलग करें तो ये नए पौधे इसके बनते जाते हैं. और इनकी क्या होती है, कोई भी पाम्स हो, जनरल आज मैं बात कर रही हूँ पाम्स की, तो ऐसे जो लीव्स एजिंग से ये देखिए ये ऐसे ड्राई होती जाती है. ये देखिए ऐसी लीव्स, तो इन ऐसी ड्राई हुई जो लीव्स होती है इनको साथ साथ हटाते रहना चाहिए. और पाम जितने हाउस में घर के अंदर लगाने वाले पाम्स जो हैं, देखिए जो बाहर लगाते हैं ना, बिस्मार्क पाम ये सब, ये तो धूप बर्दाश्त कर लेते हैं. लेकिन जो उनकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी. मेरे पास कुछ काफी पाम्स के नाम है जो आउटडोर बहुत अच्छे उग सकते हैं. अभी ये जो मैं पाम्स आपको दिखा रही हूँ ये ऐसे हैं जो हम अपने घरों पे ऐसी जगह लगाएं जहाँ हाफ डे सन रहे. और पाम्स को ज्यादातर जितने भी हमारे पाम्स हैं इनको अपने चारों तरफ थोड़ा सा मॉइस्ट एनवायरनमेंट अच्छा लगता है. तो इनको ऐसी जगह रखें या इनके पास, इनको रोज पानी का स्प्रे करते रहें, हाफ डे सन इनको मिलता रहे. देखिए अभी आप देख रहे हैं इस टाइम 1 बजा हुआ है और इस टाइम इस पे धूप पड़ रही है. उसपे भी देखिए मैंने ऊपर नेट लगाई हुई है. और बाकी इसमें जुलाई अगस्त के बाद इस जगह पे धूप नहीं आती है. ये सिर्फ मई अप्रैल मई जून 3 महीने ये जो मेरी ये वाली जगह है, क्योंकि मेरा हमारा घर जो नॉर्थ फेसिंग है लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड है, प्योर नॉर्थ नहीं है, तो गर्मी में यहाँ पे थोड़ी सी धूप आ जाती है थोड़े से पोर्शन में. तो बस अब दोपहर में ये थोड़ी देर रहेगी और उसके बाद यहाँ धूप नहीं होती है जहाँ मैंने रखा हुआ है. और अभी धूप है तो फिर मैंने ये ग्रीन नेट लगा दिया हुआ है. तो गर्मियों में इनको आप ग्रीन नेट के नीचे कर दें. और इंडोर भी अगर आप इनको रखना चाहते हैं तो बस इनको जो है वो ब्राइट लाइट चाहिए. ऐसा नहीं है आप ऐसी जगह रख दें जहाँ पर लाइट डिम आती हो, कम आती हो. तो इसको किसी सनी विंडो के पास ऐसे रखें जहाँ पे लाइट आती हो लेकिन धूप नहीं आए इन पे डायरेक्ट. तो ऐसी जगहों पर अच्छे चलते हैं सारे पाम. मैं पर्टिकुलरली इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जितने भी अपने दिखानी और दिखाती हूँ अभी आपको और उनकी बात कर रही हूँ. देखिए ये है फिनिक्स पाम. अभी ऊपर वाले फ्लोर पे मेरे 2 बड़े बड़े फिनिक्स पाम है. ये अभी छोटे हैं, ये जब मैंने लिए थे 2-3 साल पुराने पाम है ये मेरे. और जब मैंने लिए थे तो बहुत छोटे थे, अब धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं और अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी. यहाँ भी इनको देखिए अभी ये देखिए, और इसमें देखिए एक पूरा इस वाले का भी देखिए गमला भी टूटा हुआ है फिर भी ये अच्छी तरह ग्रो कर रहा है. और इनमें देखिए ये नई लीव्स आ रही हैं. ये आपके टाइम है, इस टाइम आपके ज्यादातर जो पाम्स का ग्रोथ का टाइम होता है ना वो फेब्रुअरी से शुरू होता है. सर्दियों में इनकी ग्रोथ रुक जाती है जितने भी पाम है. और अब देखिए इनकी ये देखिए ये सारी ये नई लीव्स आ रही हैं. ये देखिए सभी पाम में, मैं जितने भी अपने पाम के प्लांट दिखाऊंगी सब में लीव्स आ रही है क्योंकि ये इस टाइम इनका मौसम है लीव्स के आने का. देखिए इसकी लीव्स ये आ रही है लेडी पाम की. देखिए इसकी भी ये वाली जो है ये नई लीफ आ रही है, ये ओपन होगी अब. इनमें सब में लीव्स आ रही हैं. तो ये देखिए फिनिक्स पाम, कई लोग कह चुके हैं फिनिक्स पाम पे वीडियो अलग से बनाए तो मैं बनाऊंगी. देखिए इनको भी आप फुल धूप में ना रखें. मैंने अपने दोनों ये जो है ये भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे धूप नहीं आती है और ऊपर भी हाँ लाइट बहुत अच्छी ब्राइट आती है. गर्मी में धूप आती है 1-2 घंटे दोपहर में, उस टाइम अभी मैंने 80% वाली यहाँ पर नेट लगाई हुई है. तो इस टाइम ऐसी धूप ठंडी ठंडी है बिल्कुल. और
चुभती नहीं है। तो ये सेकंड हो गया, एक इसके पास ही लगा हुआ है। देखिए पाम जो है हमारे घरों में लगाने के लिए सबसे इजी प्लांट होते हैं, बहुत इजी टू केयर होते हैं, और आपका पाम का प्लांट तो लगेगा ही लगेगा और आपकी परमानेंट। ये देखिए ये वाला जो पाम है ये है बेम्बू पाम, इसकी भी देखिए ये नई न्यू लीव्स आ रही हैं। ये जो जो समर का टाइम होता है ये इनका ग्रोथ पीरियड होता है, इसीलिए जितने भी आपके पाम के प्लांट होते हैं उनको फरवरी में अच्छी तरह से खाद दे देनी चाहिए, और सर्दियों गर्मियों में ये ग्रोथ करते हैं। बस इस टाइम इनको नहलाना रोज चाहिए, मिस्टिंग करते रहे आप रोज, और पानी जो है पाम जो भी होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ना दें पाम पानी, और अंडर वाटरिंग भी नहीं करें, और इनमें इतना पानी ना दें कि ये बहुत गीली रहे मिट्टी, और फिर ये जो मिट्टी ज्यादा गीली रहने से आपका पौधा जो है वो, देखिए अभी इनमें ये देखिए फ्लावर्स भी आ रहे हैं, इनमें बीज भी बनेंगे। ये देखिए पाम्स जो है वो बीजों से भी उगाए जाते हैं। अरेका पाम, कल मैंने परसों अरेका पाम पे एक वीडियो बनाया तो किसी ने कहा था कि अरेका पाम जो है वो उसका प्रोपेगेशन दिखाइए आप, तो प्रोपेगेशन जो है अरेका पाम में क्या है कि सीड्स बनते हैं उसमें भी, और उन सीड्स को लगाया जाता है, वो वैसे कमर्शियल लेवल पे ज्यादा किया जाता है काम, घरों में बीज लगा के मैंने देखा नहीं है अरेका पाम को उगाते हुए, मैंने खुद भी कभी कोशिश नहीं की है। तो इनमें ऐसे सीड्स जैसे ये इसके भी आ रहे हैं, ये ऐसे इनमें फ्लावर लगते हैं फिर ऐसे ये सीड बन जाते हैं, और इनको ग्रो कर सकते हैं स्पेशल कंडीशंस में, मॉइस्ट रहे, वार्म्थ रहे, ऐसी जगहों पे इनको उगाया जाता है। और ये देखिए ये भी बहुत खूबसूरत पाम होता है, बेम्बू पाम भी। अब चलिए नेक्स्ट पाम की बात करते हैं, ये देखिए ये शैम्पेन पाम है। देखिए शैम्पेन पाम का नीचे से एक और पाम्स की ये कट करते रहे, ये ना ये सीजर्स से कट नहीं होते हैं इसलिए मेरे छोटे हुए हैं, प्रूनर से टॉप वाले टेरेस पे प्रूनर्स पड़े हैं, लाके काटूंगी। इसकी ब्यूटी देखिए, इसमें भी न्यू लीफ आ रही है, इनकी ब्यूटी ये होती है, ये देखिए पिंक कलर का इनका ये जो स्टेम होता है, और ये बीच में स्टेम चलता है पिंक कलर का, और जो पत्तियों की मार्जिन है वो भी इनकी पिंक होती है थोड़ी थोड़ी। देखिए ये देखिए ये पत्ती की हल्की हल्की पिंक होती है, बहुत स्लाइटली पिंक होती है मार्जिन। तो और इनपे ये जो आपको येलो येलो ये जो ऐसे मार्क्स दिख रहे हैं ना बिंदी बिंदी सी, ये इनमें मतलब एक बार मेरे को पोटाश डालना है इन सब में, तो पोटेशियम डेफिशिएंसी से येलो स्पॉट्स होने लग जाते हैं इनमें। देखिए ये भी शैम्पेन पाम है, और लीफ देखिए ये वाली इसमें भी नई खुल रही है, लेकिन इसमें भी ये मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा। यहाँ पे इसमें धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसको मैं सोच रही हूँ अभी गर्मियों में थोड़ा शिफ्ट करूं। अब देखिए वहां आप जाली नेट के नीचे धूप देख रहे थे वो कितनी माइल्ड थी, और अब देखिए कितनी इतनी तेज धूप है कि इस धूप में खड़े नहीं रहा जाता। और ये वाली जो होती है ये बड़ी माइल्ड है, ठंडी ठंडी धूप हो गई है तो यहाँ ठंडक रहती है पौधों को। तो पाम जब भी आप रखें ऐसी जगह रखें कि जहां पर उनको बहुत ज्यादा धूप बहुत ज्यादा नहीं मिले, लाइट अच्छी मिले तो ये उगते हैं। आप इंडोर्स भी लगा सकते हैं लेकिन लाइट इनको मिलनी चाहिए तो ही ये ग्रो करेंगे। और एक मैं आपको और दिखा दूं, अब ये देखिए ये सैगो पाम है जिसको साइकस कहते हैं हम, जिसको सैगो पाम ही कहते हैं। और ये देखिए आप इसकी भी पत्तियों के देखिए अंदर की तरफ से नए वर्ल निकल रहे हैं, ये देखिए ये नया वर्ल है ये जो निकला है। इसमें क्या होता है जब पत्तियां निकलती है ना एक कीड़ा लग जाता है, वो खाता है पत्तियों को, तो उसमें फिर मैं आप दवाई छिड़कूंगी, इसमें नीम ऑयल भी छिड़क सकते हैं। और इसमें एक गड़बड़ ये है कि ये बाहर धूप में रख दिया, मेरे पास इतने बड़े पाम के लिए ना छत पे जगह नहीं है, तो मैंने इसके अपने आउटडोर मतलब घर की बाउंड्री के बाहर रख दिया। तो अब देखिए धूप में इसमें कितनी ज्यादा धूप आ रही है इसलिए इसकी पत्तियां भी नीचे वाली खराब हो रही हैं, लेकिन अब अंदर इतना जगह ये घेर रहा है मेरे पास जगह नहीं है रखने के लिए। तो ये आप आउटडोर के लिए अच्छा पौधा है, आउटडोर रखने से ये जो है वो इसको खाते नहीं है, एनिमल्स नहीं खाते हैं। ये देखिए अरेका पाम्स हैं,
सबसे ज्यादा इजी, मोस्ट इजीएस्ट, मोस्ट इजी टू ग्रो प्लांट है ये। और पाम्स, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके गार्डन गार्डन जो है वो ग्रीन रहे और ऐसा लगे लोगों को कि आपने बहुत अच्छे पौधे लगाए हुए हैं और आपका मन खुश हो, तो उसमें आप ये पाम्स जरूर लगाइए अपने घर में। जितने भी ये पाम होते हैं ये आपके गार्डन को ग्रीनरी देते हैं और आपको केयर भी इनके कम करनी, बस कुछ बेसिक्स ध्यान रखने पड़ते हैं बस। ये देखिए, ये भी फिनिक्स पाम है मेरे दो, जैसे मैंने नीचे दिखाया है ये बड़े हो गए हैं, बड़े हैं देखिए। ये देखिए, ये हालांकि ये पाम नहीं होता है लेकिन इसे भी पाम कह देते हैं, पोनीटेल पाम या पोनीटेल पाम या एलिफेंट फुट पाम या नोलिना पाम इसका नाम होता है। और ये मेरे पास और भी बहुत हैं, देखिए ये छोटे छोटे भी हैं, देखिए देखिए इसकी क्या है, टिप को अगर ऊपर वाले यहाँ से ब्रांच को, जैसे मैं इसको यहाँ से काट दूंगी ना तो नीचे से दो तीन स्प्राउट्स निकलते हैं, तो आपको मल्टीपल करना हो इसके जैसे तो ऊपर वाले इसकी टिप काट सकते हैं। तो चलिए ये हो गए, ये सब हाफ डे सन में रखने हैं आपको, या इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले इनको, धूप नहीं चाहिए इन लोगों को किसी को भी बहुत ज्यादा। और ये देखिए, ये है, ये बहुत बड़ा हो जाता है और बड़ा ही खूबसूरत लगता है अगर ग्राउंड में लगाओ। अभी धूप इसको भी पसंद नहीं आ रही है और थोड़े दिन पहले तक बहुत खुश था ये। इसको कहते हैं फॉरेस्ट पाम, देखिए ये फॉरेस्ट पाम है, बड़ा होके बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है ये। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ये छोटा सा पौधा एक खरीदा है ये, और एक वर्ल्ड में पत्तियां आती हैं, अब शायद इसकी भी निकलेंगी पत्तियां, तो अब देखिए इनकी भी निकल रही है, ये दिख रहे हैं आपको। सब जितने भी पाम्स है ना आपके पास, सबकी पत्तियां इस टाइम निकल रही होंगी। तो ये फॉरेस्ट पाम है और इसको भी बिल्कुल लाइट धूप नहीं चाहिए डायरेक्ट। ये देखिए, एक ये है, ये भी अरेका पाम है, ऊपर के फ्लोर पे मेरे पड़ा हुआ। एक और ये देखिए, सैगो पाम, साइकस, ये देखिए ये कैंटिया पाम है। ये नीचे से देखिए सिंगल स्टेम होता है, मोटा होता जाता है इसका ये नीचे वाला स्टेम, और इसको भी छाया ही पसंद है और मैंने इसको धूप में रखा हुआ है इसलिए इसमें ग्रोथ अभी नहीं है, और वैसे भी इसमें सर्दी में ग्रोथ नहीं होती है। अब देखिए नया पत्ता दिख रहा है आपको भी इसका निकलता हुआ, और धीरे धीरे अब इसमें भी ग्रोथ होगी समर्स में। तो पाम जितने भी है उनकी समर्स में ग्रोइंग पीरियड होता है। ये देखिए, ये रेड पाम है, इसका एग्जैक्टली नाम मेरे को नहीं आता, पता नहीं क्या रोड, शायद आर से कुछ है, अगर आप लोगों को पता हो तो इसका नाम मुझे बताइएगा, शायद इसका नाम लेटेनिया है पर एग्जैक्टली किसी को पता हो तो। ये आपने सर्दियों में मेरे ओवरव्यूज में या देखा होगा, बहुत अच्छी तरह बड़े बड़े फ्रॉन्ट्स थे इसके, अभी ग्रीन नेट लगाने में फ्रॉन्ट्स इसके एक दो टूट गए थे, देखिए मैंने नीचे से बड़े बड़े वाले तीन देखे, तीनों साइड से तीनों फ्रॉन्ट्स को बड़े बड़े थे बहुत, उनको काट दिया है। और अब ये गर्मी में देखिए इसकी भी नई पत्तियां आ रही हैं, देखिए तो एक ये पाम है मेरे पास, और ये देखिए ये फॉक्सटेल पाम है, इसको अभी मैंने धूप में रखा हुआ है और मैं सोच रही हूँ इसको भी ग्रीन नेट के नीचे शिफ्ट कर दूंगी, और आज तो इसमें पानी भी नहीं दिया हुआ। इनकी पाम जितने भी हैं इनकी मिट्टी को ज्यादा ड्राई ना किया करें, इनकी मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट हर वक्त रहनी चाहिए, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखें। और देखिए ये इसकी भी एक नई पत्ती निकल रही है, देखिए आप, और मैं इसको जल्दी, अभी तो आजकल ज्यादा गर्मी शुरू नहीं हुई है ना, एकदम बहुत
वो अब मैं इसको एक दो दिन में ग्रीन नेट में शिफ्ट कर दूंगी इसको, ताकि ये भी अपनी अच्छी ग्रोथ ले ले गर्मी गर्मी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ पाम्स बताए हैं जो हम अपने घर में लगा सकते हैं, जो हाफ डे सन में चलते हैं अच्छे। और ये जितने भी मैंने बताए हैं, इनको आप घर में और इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में लगाएं तो ये अच्छे ग्रो करते हैं। और पाम्स बहुत अच्छे प्लांट्स हैं, जैसे मैंने कहा लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको देखिए जरबेरा का बहुत क्यूट सुंदर सा फ्लावर दिखाती हूँ मैं। देखिए जरबेरा का कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, कितना फ्रेश है ये। और ये देखिए जरबेरा में, इस वाले प्लांट में बहुत फ्लावर्स आ रहे हैं हमें। ओके फ्रेंड्स, बाय।